वेलकम टू ए टू जेड अपडेट्स गाइस। सो मैं आज बात करने वाला हूँ फोर्ड के बारे में। हालांकि फोर्ड के बारे में बात करूँ तो आपको पता ही है कि ये कंपनी बहुत ही साल से इंडियन मार्केट में चल रही है, लेकिन फोर्ड की तरफ से ये अनाउंस हुआ है कि फोर्ड जो है वो इंडिया में से अभी एग्जिट होने वाला है। यानी कि इसका जो प्लांट था वो गुजरात के सानंद में था और इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी इसका प्लांट था। तो गाइस ये दोनों ही प्लांट अभी बंद होने वाले हैं, क्योंकि फोर्ड ने ये बताया है कि उनका जो कंपनी था वो पिछले कुछ सालों से लॉस में जा रहा था, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो गाइस फोर्ड ने ये डिसीज़न लिया है कि अभी इनका जो प्लांट है वो बंद होने वाला है। यानी कि फोर्ड फिगो और उसके अलावा फोर्ड एंडेवर हो गई, फोर्ड इकोस्पोर्ट हो गई, ये सारी ही कार अभी प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। हालांकि फोर्ड ने ये बताया है कि उनकी जो मस्टैंग कार है और बाकी की जो स्पोर्ट कार है वो इंडिया में आप बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो। और उसी के साथ फोर्ड ने ये भी बताया है कि अभी तक उनकी जितनी भी कार सेल हुई है उसका जो सर्विस होता है, मेंटेनेंस होता है, उसका जो प्लांट होगा वो तो शुरू ही रहने वाला है। यानी कि ये तो इंडिया में अभी शुरू ही रहेगा, यानी उसके बारे में हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी फोर्ड के पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक ही बचा होगा। तो गाइस अब अगर आपको कोई भी फोर्ड की कार लेनी है तो आप ले सकते हैं, और मे बी हो सकता है कि इसमें हमें डिस्काउंट भी मिल सकता है, क्योंकि फोर्ड हो सकता है कि उनका जो स्टॉक रहा होगा वो क्लियर कर सकती है। सो गाइस यही थोड़ी दुख वाली बात थी कि फोर्ड में जो एंडेवर कार है, जो बहुत ही सारे लोग इसको पसंद करते हैं, सो गाइस ये कार अभी इंडियन मार्केट में नहीं रहने वाली। सो गाइस यही था कुछ न्यूज़। और फोर्ड के बारे में तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही टाइम से पॉपुलर कंपनी है, वो अपने बिल्ड क्वालिटी के नाम से और ड्राइविंग डायनेमिक्स इसमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। सो गाइस अभी वो सब देखने को नहीं मिलने वाला। सो गाइस यही था अपडेट। सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।